इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। Hey, what's up, everybody? This is Aashika. You're watching Student Khabri. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कहीं ना कहीं बीटेक तो प्लान कर ही रहे हैं, बट उनका लॉन्ग टर्म गोल सिविल सर्विसेज में जाना है। भले वो यूपीएससी की बात करें या फिर आईपीएस आईएएस की बात करें या फिर पीएसयूज की बात करें, उनका मेन टारगेट वो है। तो ऐसे केसेस में एक ऐसे कॉलेज को चूज करना जहाँ पे कहीं ना कहीं अटेंडेंस का फाउंडेशन होगा, बिकॉज वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में 3 साल का भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसमें टाइम ड्यूरेशन कम लगेगा क्योंकि उस कोर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रेजुएशन होती है। बट स्टूडेंट्स फॉर अ सेफर साइड बीटेक के लिए जाते हैं, सो दैट लेट्स से एक मेरा अगर वहां नहीं होता है तो मेरे पास बीटेक का भी ऑप्शन होगा। बट अगर आपकी पहली प्रायोरिटी है कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपकी कॉलेज की चॉइस जो है वो बहुत अलग होनी चाहिए। क्यों बहुत अलग होनी चाहिए? बिकॉज आपको अपनी पढ़ाई, अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस अपने एग्जाम के पीछे लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने में पढ़ के ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये एग्जाम्स निकाल सकते हो। उसमें एक बहुत लंबा टाइम लगता है प्रिपरेशन का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट का भी इंटरव्यू लिया था जिसने एमपी से यूपीएससी में टॉप किया था, 5th पोजीशन पे थी। तो उनका भी ये था कि शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जामिनेशन राइट फ्रॉम हर 12th स्टैंडर्ड, राइट फ्रॉम हर ग्रेजुएशन। सो अगर आप ऐसे केसेस में टारगेट कर रहे हैं तो आप ऐसे कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा अटेंडेंस को लेके आपको रिलैक्सेशन मिल जाए और आप अपनी पैरेलली अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। गवर्नमेंट में भी ऐसे कॉलेजेस के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप भोपाल, और इन केसेस में आपको सिटी लोकेशन बहुत स्पेसिफिकली टारगेट करनी चाहिए। भोपाल चूज कर सकते हैं आप, इंदौर चूज कर सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा आप ग्वालियर चूज कर सकते हैं। बिकॉज कोचिंग की बात करें, स्टडी मटेरियल की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, एक्सपोजर की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको सिटीज में मिल सकता है। तो इसके लिए कुछ कॉलेजेस है गवर्नमेंट, जैसे आप बरकतुल्ला देख सकते हैं या फिर जहां पर थोड़ा सा अटेंडेंस के लिए आपको लीनियंसी मिल जाएगी। और ऐसे कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं जहां पर आपको अटेंडेंस रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो उसके लिए नीचे नंबर दिया है, आप वहाँ पे कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके, कॉल नहीं व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है किसी सिविल सर्विसेज में जाने के लिए तो आपके लिए कौन से बीटेक कॉलेजेस हैं और कौन सी ब्रांचेस हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल सर्विसेज प्लान कर रहे हैं तो ऐसे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। ऐसे में आप कोर ब्रांचेस को टारगेट कर सकते हैं और वो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज, कंपटीशन कम होगा, बिकॉज हर बच्चा कंप्यूटर साइंस में निकल रहा है। जैसे हम कई सारे स्टूडेंट्स से बात करते हैं, आई वाज टॉकिंग टू अ गर्ल, शी सेड कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग में जाना है क्योंकि मेरा मेन जो गोल है वो यही है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो ऐसे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेने के बाद कहीं ना कहीं काफ़ी सारे आपको डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आप ब्रांच का सिलेक्शन कर सकते हैं। और ब्रांच से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है वो है कॉलेज का। कि लेट्स से आपने कॉलेज तो अच्छा चूज कर लिया बट वहां पे 75-80% अटेंडेंस है और कॉलेज के टाइमिंग्स बहुत हैक्टिक होते हैं, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। ऐसे में आप अपनी प्रिपरेशन को टाइम ही नहीं दे पाएंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इसको पूरा स्ट्रेटेजाइज करके टारगेट करें। गवर्नमेंट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट आपको डिसाइड करना है कि आप उनमें से किन कॉलेजेस को टारगेट करना चाहते हैं। और अगर आप हमारी कोई हेल्प चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पे फॉर्म का लिंक फिल करके आप ये डिटेल्स मांग सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज, कौन सा प्राइवेट कॉलेज आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छा रहेगा और आप कौन सी ब्रांच को टारगेट करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो को आप प्रॉपरली एनालाइज कीजिएगा अगर आपका ये लॉन्ग टर्म, बिकॉज ये कभी शॉर्ट प्रोसेस नहीं होता है। मैं अगेन एक सिंपल सी चीज बता रही हूँ कि अगर आपने 10th में मैथ्स ले लिया है और आपको 12th में रियलाइज होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपको MBBS करना है तो आपको 10th में बायो लेना पड़ता है। द सेम थिंग अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसकी स्ट्रैटेजी अभी से बनाएं। सो दिस वाज इट। आई होप आपको पसंद आया होगा। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर विद स्टूडेंट खबरें।